नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की, ओपी पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, तो उसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। एक 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 क्लू बताऊंगा कि ये भर्ती आपकी कब तक आ सकती है, इसका सिलेबस क्या होगा, और बहुत सी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग, देखिए पिछले 6 मंथ से बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की टोटल 52,000 पदों पर बम्पर भर्तियाँ आने वाली हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 6 महीने पहले ही इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और वो अभी तक की यही आशा लगाए बैठे हैं कि वैकेंसीज आने वाली हैं। तो गाइस देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक कटिंग वायरल हो रही थी कि यूपी पुलिस की 52,000 पदों पर बम्पर भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, और ये भर्तियां आपकी, इसका जो आवेदन होगा वो 1 नवंबर से बताया जा रहा था कि 1 नवंबर 2020 से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आज हो गई 25 अक्टूबर, ये भर्ती अभी तक नहीं आई है। ओके, तो दोस्तों जो वो कटिंग वायरल हुई थी वो आपकी कटिंग जो थी वो फेक थी। ओके, तो दोस्तों देखिए, इसकी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। देखिए गाइस, 2022 में इसका इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन हो सकता है, होएगा। तो गाइस देखिए, ये आपकी जो भर्ती आएगी ये आपकी अब 2021 के मई या जून में आपकी भर्ती आएगी, और उसके बाद 6 माह के अंदर आपकी ये भर्ती क्लियर कर दी जाएगी। ओके, क्योंकि अभी ये भर्ती आना संभव नहीं है, और बताया जा रहा है, कई सोर्सों से मैंने पता भी किया है कि ये भर्ती अभी नहीं आएगी। सबसे पहले जो भर्ती आपकी आएगी वो आएगी यूपीएसआई की, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ओके, तो इस भर्ती को आने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन क्या है, आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। तो गाइस देखिए, इसके सिलेबस में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ। बस देखिए, इसके सिलेबस में सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है आपकी हिंदी। हिंदी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये वाला पोर्शन आपने क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद देखिए, मैथ आती है, मैथ तो आती है, उसके बाद रीजनिंग भी आती है। ओके, तो और जीके भी आती है। इन सभी चीज़ों को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पहले सिलेबस बनाऊंगा, इसका सिलेबस बताऊंगा कि इसका सिलेबस में क्या क्या होता है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में जो बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें जो मैंने बातें बताई हैं ये आपकी 100% ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.99% आपकी सही बातें हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।